गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन. स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट बी पैनिक ड्यूरिंग पेंडेमिक. क्लास 7 इंग्लिश ग्रामर. यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल्स. बिफोर स्टार्टिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगेन आई एम टेलिंग आर्टिकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. Because in a parts of speech, NPA, noun, pronoun, adjective, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjections, these are the important parts of speech. So noun we have completed, pronoun we have completed, adjective we have completed. Between the verb and adjective, one important part comes, that is article. Yesterday we have discussed, कल हमने बात करी थी. Article is indicates the proper noun. Article क्या कहता है? कि noun के बारे में बताता है. Indicates the noun. और it modifies the noun. कहीं ना कहीं हमें noun की कहीं विशेषता मालूम पड़ जाती है या noun की क्या स्थिति है, the position of the noun to acquire the knowledge about noun. हमें ये मालूम पड़ जाता है. कल हमने पढ़ा तीन प्रकार के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ए एंड डी. ए एन एंड डी, डी इज ए डेफिनेट आर्टिकल. टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. डी इज ए डेफिनेट आर्टिकल. यस्टरडे वी हैव लर्न वेयर वी शुड डी, हम द का प्रयोग कहां करेंगे. पहला, before the important monuments, just revise it, kal padh chuke. Before the important monuments, building like the Taj Mahal, the Lal Qila, the Ram Temple. Before the important person, who is the single one, this is the president, the prime minister, right? The queen, the king, koi bhi nahi ke liye. Before the important river, right? Or the country, the Ganga, the Jamuna, the Nile, or the country, the U.S., the Britain. After that, we will use before certain organization or political parties. Before certain organization or political parties. हम कोई specific organization, कोई group important, कोई political party है, या ऐसा group जो पूरे world में जाना पहचाना हो, recognize हो, उसको हम उसके आगे दे रहे हैं. जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ईटी अपने आप में UNO, देन WHO, हम लोग हर वेरी फ्रिक्वेंटली WHO गाइडलाइन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइन दी है कि ना COVID-19, द स्प्रिंग कोरोना, इट कुड बी अ एयरबोर्न डिजीज, मतलब हवा से भी फैल सकता है. तो हु इज गिवन द WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वन ऑफ दैम. अनदर, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ चाइना, एक इकलौती पार्टी है जिसका नाम द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ चाइना, द कांग्रेस, द बीजेपी, दे आर द इम्पोर्टेंट पोलिटिकल पार्टी. वी डू नॉट हैव एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट, उनके जैसा कोई है नहीं, इसलिए हम यूज करते हैं. सो बिफोर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, बिफोर एब्रीवेशन और इनिशियल्स ऑफ द कंट्री, द इम्पोर्टेंस बिफोर एब्रीवेशन और इनिशियल्स ऑफ द कंट्री. जैसे मैंने आपसे कहा था, इनिशियल्स होते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते. जैसे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ये वो कंपनी है जो ब्रिटेन से रेडियो पर न्यूज और प्रोग्राम प्रसारित करती है. तो अपने आप में बड़ी फेमस है, हम बोलते हैं द BBC, उसका शॉर्ट फॉर्म है BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, द BBC. और वी कैन से यूनाइटेड किंगडम और USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके आगे द लगाते हैं सिंगल एस, ग्रेट ब्रिटेन. सो वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ द एब्रिविएशंस और इनिशियल्स. सो वी कैन यूज द WHO, द UNO, राइट, द ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ चाइना, और द BJP, भारतीय जनता पार्टी. After D, this is a definite. We will go through indefinite article.
So we have two important indefinite articles. First A, second N. First A and second N. As you know that before vowel we will use N. A, E, I, O, U. Before vowel we will use N. वो हम बाद में करेंगे. First we start with A. If you will see that A can be used, A or N, पहले हम दोनों की बात, A and N. Before singular noun, हम use करेंगे before singular noun. But that noun comes under as a plural form. अगर वो plural form में आता है, जैसे she has a teacher, she is a teacher, she is a teacher. He is an engineer. He is an engineer. And इसलिए लगा है क्योंकि E लगा हुआ है, E, I, O, U. So, अब आप देखेंगे इंजीनियरिंग, इंजीनियर जो है वो प्लूरल नाउन है क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, टीचर्स के अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, अ ग्रुप ऑफ टीचर्स होते हैं. तो यहाँ पर हम A का प्रयोग करें. She is a teacher. He is an engineer. Right? She is a doctor. In that. So, use of A or N before singular noun, but that particular singular noun has a plural form. Second, something for the first time. हम A और N का प्रयोग करते हैं उन बातों में या तो वो पहली बार हो रही है first time, और they have a particular member or class. They have a particular member or class. यदि उनका कोई अपना कोई group है, जैसे A mouse and elephant. A mouse and elephant. A mouse मतलब एक चूहा, an elephant मतलब एक हाथी. A mouse and elephant fell in love. वो दोनों दोस्त थे, दोस्त बन गए. वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं. तो first time, because it has come in the first time or the class or a group, we can use A or N. Another important, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा. If you use A, A also used before uncountable. These have an object or adjective before them. These have an adjective before them. यदि उनके पहले कोई adjective लगा है, तो हम A और N का प्रयोग कर सकते हैं. Generally A का. जैसे अगर हम बात करें, A also used before uncountable. एक तो जो uncountable है, उनके आगे जिन को हम काउंट नहीं कर सकते. और दूसरा, दीज हैव एन एडजेक्टिव बिफोर देम. यदि उनके पहले कोई एडजेक्टिव है, जैसे आई टोल्ड यू चाइल्ड हैज अ गुड नॉलेज. चाइल्ड हैज अ गुड नॉलेज. नॉलेज अपने आप में एडजेक्टिव है, गुड नॉलेज ये बताया जा रहा है. सब्जेक्ट के आगे उसका एडजेक्टिव लग रहा है कि उसको बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत बढ़िया नॉलेज है. She has a tremendous knowledge. She has knowledge, but she has a tremendous knowledge. उसको बहुत ही अच्छा knowledge है. या a sadness, sadness मतलब दुखी पल. A sadness that will not go away was on her face. एक जो दुख था, will not go, नहीं गया, away was on her face. उसके चेहरे पर जो दुख था, वो नहीं जा पाया या नहीं जाएगा या नहीं गया. तो sadness, sadness is an adjective, sadness, but it shows a particular the sadness that will not go away was on her face. So up to here we have learned about the use of A and N. Today a few important questions are there. First question, how many types of articles are there? Question number 1, how many types of articles are there? Question number 2, where we can use article the? Question number 2, where we can use article the? Give example. Thank you.